भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पूरे देश में आज 13 फरवरी को यह आंदोलन किया जा रहा है। उसका कारण यह है कि हिंडनबर्ग अमेरिका के एजेंसी ने अदानी का घोटाला पूरा सामने ला दिया। ये बताया गया कि कैसी जाली कंपनियां और शेयर के रेट बढ़ाकर बेचना और उसके आधार पर बैंकों से लोन लेना, LIC का पैसा नरेंद्र मोदी के मार्फत अपनी कंपनी में घुसाना, ये पूरा इसको उजागर कर दिया। अब सवाल ऐसा है कि पंतप्रधान इस पर संसद में कुछ बोल नहीं रहे। अदानी घोटाले के कारण करीब करीब 87,000 करोड़ रुपया जो जनता का पैसा है वो बर्बाद हो गया, वो उसमें बर्बाद होता जा रहा है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था हम देखते हैं उसके ऊपर आघात हो रहा। अदानी के कंपनी से बहुत से प्रोडक्ट आते थे और उसके कारण मार्केट पर भी उसका असर हो रहा है। पूरी भारत की साख एक सख्ते में आ गई, तो अब इसकी जांच कौन करेगा? हमारे देश की संसद ये सर्वोच्च है, इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मार्फत इसकी जांच होना चाहिए। नरेंद्र मोदी बजट का उत्तर देते हुए ये सब बातों को दरकरार करते हैं और कांग्रेस का 70 साल का राज हलाते क्या किया क्या किया? अबे बेवकूफ, 8 साल में तूने देश को बेच दिया, पूरी सार्वजनिक इकाई को बेच रहा, जनता देख रही है। अरे कांग्रेस के काल में 9% टैक्स वाला पेट्रोल उन्हें 32% टैक्स लगाकर जनता को लूटना शुरू किया है, पूरे देश की जनता को महंगाई के मारे तबाह कर रहा है, किसानों के खिलाफ वादा खिलाफी की है, कामगारों के कायदे को तहस तहस करके पूरे भारत को कामगार शक्ति को बर्बाद करना शुरू किया। और इसलिए ये जवाब ले देते हुए तू कांग्रेस रहता है, हमारा ये कहना है हम तमाम विरोधी पार्टी की चाहते है कि इसके संसदीय कमेटी से जांच हो, दूध का दूध हो। केंद्रीय बजट ये जन विरोधी है, ये किसान विरोधी है, ये कामगार विरोधी है, ये महंगाई को बढ़ावा देने वाला है, ये गरीबी और अमीरी की विषमता बढ़ाने वाला है। चंद पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ेगी और गरीबी रेखा के नीचे जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ेगी। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी मुखालफत करते है। आज पूरे देश में नागपुर में हम आंदोलन करके इशारा देना चाहते है, मोदी संसदीय तरीके से अपने राह को अपनाओ। प्रश्न मांग पूर्ण होण्याचा नाही आहे। इतक्यात भारत सरकार ने जे अर्थसंकल्प सादर केला आणि त्यानंतर हिंडनबर्ग चा जो संशोधन समोर आला त्याच्यामुळे एक भयंकर परिस्थिति या देशामध्ये निर्माण झाली आणि अडाणी नावाचा हा जो पूंजीपती आहे त्यांनी कसं या देशाची फसवणूक केली, सर्वसामान्य लोकांची फसवणूक कशी केली आणि या देशाचा बँकेतून आणि LIC मध्ये जे सर्वसामान्य लोकांचे पैसे आहे त्या पैशामध्ये कोट्यवधी रुपयाचा कर्ज नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान यांच्या मदतीनं अडाणीने ज्या पद्धतीनं कर्ज घेतलेलं आहे त्याच्यामुळे आज पूर्ण देशामध्ये भारताची अर्थव्यवस्था आणि वित्तीय संस्था गंभीर संकटामध्ये सापडलेल्या आहेत। या विषयावर हा घोटाळा समोर आल्यानंतर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही बोलायला तयार नाही, याच्यामुळे हे स्पष्ट दिसते आहेत की अडाणीचे आणि मोदीचे हित संबंध उघड झालेले आहेत। अर्थसंकल्पामध्ये या देशामध्ये वाढत्या रोजगारा संदर्भामध्ये काही उल्लेख नाही। रोजगार कशी मिळतील लोकांना, नौजवानांना, तरुणांना, भारतामध्ये बेरोजगारी कशी कमी होईल याचा काही संबंध या अर्थसंकल्पामध्ये नाही आहे। वाढती महागाई, वाढती गरिबी या अर्थसंकल्पामध्ये कमी होण्यापेक्षा जास्त येणाऱ्या दिवसामध्ये वाढणार आहे। तसेच या देशामध्ये जे वाढती दरी आहे, श्रीमंत आणि गरिबीमधला दरी कमी करण्यापेक्षा या अर्थसंकल्पामध्ये ते अधिक जास्त कसे वाढेल याचा सगळं तरतूद करण्यात आलेली आहे। एकूण पाहता ही अर्थसंकल्प देशाचा मुठभर भांडवलदारांचा बाजूचा आहे। अर्थसंकल्प या देशाचा कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, महिला यांचा विरोधात आहे, सर्वसामान्य माणसांचा विरोधात हा अर्थसंकल्प आहे। याचा विरोधात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज पूर्ण देशामध्ये प्रदर्शन करते आहेत आणि मागणी करते आहेत की अडाणीचा घोटाळा याची संपूर्ण संयुक्त संसदीय समितीच्या मार्फत केला पाहिजे आणि सत्य समोर आला पाहिजे।